गाइस 8 सितंबर 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ये वाली न्यूज़ थी। और गाइस वी ऑल नो कि टाइम्स ऑफ इंडिया कितना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना ज़्यादा बड़ा न्यूज़ चैनल है, जिस पे हम लोग इजीली रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में इस चैनल से इतनी बड़ी गलती होना इज नॉट क्वाइट ऑब्वियस। गाइज ये न्यूज़ थी कि तारक मेहता की उल्टा चश्मा की जो बबीता जी हैं और जो टप्पू हैं वो रिलेशनशिप में हैं, बट ये चीज़ डिनाई करी है खुद मुनमुन दत्ता बबीता जी ने, और जो राज अनदकत और टप्पू हैं उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये चीज़ डिनाई करी है कि ऐसा कुछ नहीं है। और गाइज मुनमुन दत्ता की पोस्ट को लेके टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेम वही चीज़ कर दी कि मुनमुन दत्ता ने बोला और फिर उन्होंने वो चीज़ अपने उस पर डाल दी। तो मुनमुन दत्ता ने एक स्टोरी डाली स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। और गाइज मुनमुन दत्ता ने ये भी बताया कि इन्होंने ही शुरुआत किया था, आर्टिकल इन्होंने ही लिखा था। गाइज हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, हम सबका रिसोर्स ये न्यूज़ चैनल ही होते हैं, और कोई ऐसे छोटे मोटे न्यूज़ चैनल नहीं जो वेल नोन है, जिनकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे है। ऐसे न्यूज़ चैनल हमारे रिसोर्सेज होते हैं। गाइज इनसे ये गलती कैसे हो सकती है पता नहीं। गाइज मुनमुन दत्ता ने और राज अनदकत ने दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट शेयर किए हैं इसको लेके, और मुनमुन दत्ता ने न्यूज़ चैनल के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बोला है कि जो लोग कमेंट सेक्शन में आके उनके एज डिफरेंस को लेके उन्हें इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे कि उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन सहना पड़ा। गाइज जो मैंने 9 सितंबर को वीडियो डाली थी इनके रिलेशनशिप को लेके, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए हुए थे जो देख के मेरे को खुद अजीब लगा, बहुत ज़्यादा बेकार लगा। आई एम श्योर उससे भी बहुत ज्यादा खराब कमेंट्स इन लोगों ने मुनमुन दत्ता की और राज अनदकत की अकाउंट पे जाके किए होंगे। गाइज ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, और ऐसे में किसी के मेंटल ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं इस चीज को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। मैंने जस्ट एक मैसेज कन्वे किया था जो कि मेरे को खुद न्यूज चैनल से मिला था, वो फॉल्स निकला। और गाइज मैंने उस वीडियो में भी यही बात बोली थी कि इफ दिस इज ट्रू, अगर इनका रिलेशनशिप सच्चा है, जेन्युइन फीलिंग है, तो इससे बेटर चीज कोई नहीं हो सकती। लव इज सच अ प्योर फीलिंग, ये चीज मैंने अपनी वीडियो में स्पेशली मेंशन करी थी। और गाइज एज डिफरेंस होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मम्मी पापा की जनरेशन के टाइम में भी 10-15 साल का एज गैप बिल्कुल नॉर्मल था उस टाइम। सो जब हमें दिक्कत नहीं, तो अब भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं अब भी एक चीज़ बोलूँगा कि अगर ये लोग रिलेशनशिप में भी होते ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो गाइज प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट्स मत करना। और हाँ, पर्सनल लेवल पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आप लोग दिखा दो कि बबीता जी जो कि मुनमुन दत्त हैं और टप्पू जो कि राज अनदकत हैं, उनको आप लोग कितना प्यार करते हो, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, ताकि जो उन्हें ठेस पहुँची है ना कुछ लोगों के कमेंट्स से, वो चीज़ ओवरकम हो जाए इस वीडियो के कमेंट्स को देख के, क्योंकि मैं इन दोनों को टैग करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। गाइज प्लीज़ आप लोग दिखा देना कि हाउ मच यू लव देम। और एक चीज़ मैं पर्सनली अपनी साइड से बोलना चाहता हूँ कि ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू बोथ मुनमुन मैम एंड राज अनदकत, आप दोनों के लिए रिस्पेक्ट दिल से है और प्यार बहुत सारा दिल से है।